पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी तंजीम के खिलाफ झूठा बयान देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। स्टूडेंट लीडर रऊफ शरीफ की हिरासत बढ़ाने के लिए केरल कोर्ट में दी गई एप्लीकेशन में ईडी ने पॉपुलर फ्रंट के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए आने का इल्जाम लगाया है। ये इल्जाम बेबुनियाद है और इसका मकसद अदालत और मीडिया को गुमराह करना है। पॉपुलर फ्रंट के खातों में आने वाला फंड पब्लिक डोनेशन है जो एजेंसियों से छुपा हुआ नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि हर उस शख्स को तंजीम के पीछे पड़ना ईडी का आम तरीका बन गया है जिन्हें संघ परिवार नापसंद करता है। लेकिन यही ईडी आरएसएस को मिलने वाले फंड और बीजेपी के जरिए एमएलएज की खरीद फरोख्त के लिए खर्च की जाने वाली भारी रकम की जाँच की कोई जरूरत नहीं समझती। ईडी मुल्क में होने वाले हर वाकये का इल्जाम पॉपुलर फ्रंट पर लादने में लगी है और हर वाकये को उसी एक केस में जोड़ती जा रही है जो 2018 में पीएफआई पर दर्ज हुआ था। इससे साबित होता है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर पहले से ही तैयार माइंडसेट के साथ पॉपुलर फ्रंट को निशाना बना रही है। पॉपुलर फ्रंट पावर के इस गलत इस्तेमाल के खिलाफ तमाम कानूनी व जमहूरी तरीकों को अपनाएगी।